नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना महासंकट के वक्त जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसे में क्या राज्य सरकार उन बिहारियों की मदद कर रही है जो कोटा में फंसे हुए हैं, जो छात्र छात्राएं जिन पर कल होके लोग नाज करेंगे या कहेंगे कि ये बिहारी हैं, ये हमारे राज्य के हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अभी जब उनकी जीवन पर आफत आन पड़ी है, आफत हम इस संदर्भ में कर रहे हैं कि खाने पीने को दिक्कत हो रहे हैं, अगर सरकार दावा कर रही है तो बार बार वीडियोज़ क्यों वायरल हो रहे हैं। जरा देखिए, ये वीडियो भी कोटा से निकल के आया है जिसमें बार बार ये छात्र रो रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या सोच रहे होंगे लेकिन मुख से क्या निकल रहा है जरा सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम यहाँ पर मेंटली परेशान हैं, हमसे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर रोज हर तरह की नई नई परेशानियाँ से यहाँ पर रोज गुजर रहे हैं। यहाँ पर रह रहे पीजी वाले बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ओपन मेस थे सारे के सारे बंद हो चुके हैं। तो जिस तरह यूपी गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए बसेज वगैरह भेज रही है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हम आपके फ्यूचर हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। वी आर नॉट सेफ हियर, प्लीज टेक अस होम, प्लीज हेल्प अस। तो आपने सुना, हजारों छात्र छात्राएं, हजारों विद्यार्थी, हजारों कामगार मजदूर देश के विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं। ये वो बिहारी हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं। इन पर शायद आपको दया आ गई होगी लेकिन इस बिहारी पर आपको नाज आएगा। अब ये तस्वीर देखिए, इस व्यक्ति का नाम राहुल रंजन है, गया के रहने वाले हैं, लगातार सक्रिय हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इन दिनों लगातार जब हम इन तक पहुंच पाए थे, इनकी तस्वीरें देख पाए थे, सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये तस्वीरें प्राप्त हुई, हमने जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इनका कहना था कि हाँ, हम बांट रहे हैं, अस्पतालों में जाकर के बांट रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, जो दुकानदार जागरूक नहीं है, जिनके पास मास्क नहीं है, हम उनको मास्क दे रहे हैं। जितनी क्षमता है वो ये नहीं कर रहे हैं कि हम रोज़ बोरी भर भर कर अनाज बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं। हाँ, जिसको जितना देने की क्षमता है उतना वो मदद कर रहे हैं, फल बांट रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, फूड पैकेट भी बना के बांट रहे हैं, लेकिन दावे उतने नहीं कर रहे हैं। कह क्या रहे हैं, क्या ये रहे हैं कि कहाँ गए वो 243 विधायक, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कहाँ गए वो सभी सांसद, कहाँ गए जो बिहार से केंद्रीय मंत्री बनकर गए हैं, क्यों नहीं आए वो हम तक, क्यों आखिर हमारा दुख जाने नहीं आए। और जब वो लगातार टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के थ्रू, जो चैनल्स हैं उसके थ्रू आप देख रहे हैं कि कोटा में फंसे हजारों बिहारी छात्र छात्राओं की हालात क्या है, उनके अभिभावकों पर क्या गुजर रहा होगा, तब वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा राहुल रंजन सुनिए। मेडिसिन का आज यहाँ के विधायक, एमएलए और एमपी, जितने जनप्रतिनिधि जो मलाई जो खा रहे हैं, उनको यह बताना चाहते हैं कि आप इस लॉकडाउन की तरह उनके संपत्ति को लॉकडाउन कीजिए, उनके संपत्ति को। आज एक एक विधायक जो 30 साल से विधायक है, एक एक एमपी जो 20 साल से एमपी है, आज उसका वेतन का पूरा आकलन करवाइए। और आज एक एक विधायक और एमपी के पास 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए का संपत्ति, प्रॉपर्टी कैसे हो गया है, इस पर लॉकडाउन के बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारा देश का गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान सब परेशान है क्योंकि आज ये विधायक और एमपी उसके दरवाजे तक नहीं है जा रहा है। तो आपने सुना, सराहनीय काम ये कर रहे हैं, राहुल रंजन का नाम है, गया के निवासी हैं, गया में ही लोगों में बांट रहे हैं। हालांकि पहले छात्र राजनीति में थे, उसके बाद अब जब सक्रिय हुए हैं, जब अब सही में जब आपदा की समय आया है, ऐसे वक्त में जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, कुछ मदद कर रहे हैं, जितना हो सकता रहा है उतना मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच में मास्क बांट रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाकर जो अटेंडेंट हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रही है सरकार, वहाँ भी जा रहे हैं, उन तक भी पहुँच रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, चोरी छुपके ही सही लेकिन मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी जायज़ है कि क्या उन सांसदों की, उन विधायकों की, उन मंत्रियों की तनख्वाह पर लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, उनकी संपत्ति पर लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आप क्वारंटाइन हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट मांगने भीड़ लगा करके गलियों में, टोलों में आते हैं, क्या वैसे ही भीड़ लगाना ज़रूरी नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, क्या आप अकेले आकर नहीं पूछ सकते थे, क्या हर टोले में जाकर कम से कम एक बार नहीं पूछ सकते थे कि क्या यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते, लेकिन आपने तो इतना ख्याल रख लिया सोशल डिस्टेंसिंग का कि आप किसी को दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए परेशान जनता आपसे
ये सवाल पूछ रही है, चाहे वो कोटा में फंसा हुआ बिहारी हो या फिर बिहार में बिहारियों का सेवा कर रहा ये बिहारी हो। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जवाब सरकार कब तक देगी, क्या लॉकडाउन इनके तनख्वाह पर लगेगा, इनकी संपत्ति पर लगेगा, सरकार क्या एक्शन लेगी और जनता आने वाले चुनावों में इनका क्या हिसाब करेगी, वो तो खैर आने वाला समय ही बतलाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।